जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गुजरात पुलिस PSI एंड ASI ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिलअप से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेव पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। और यहां पर आप इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के जॉब अपडेट लेकर के आता रहूँ। अब बात करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो ये आपका अप्लाई ऑनलाइन लिंक है जो कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि कहाँ पर देने वाला हूँ। आपको गूगल के अंदर जाना है और जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। सर्च करने पर यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहां पर आपको टुडे बेस्ट जॉब के अंदर या फिर नीचे की तरफ इस गुजरात पुलिस ASI रिक्रूटमेंट 2021 के नाम से देखने को मिल जाएगी। अभी वो पब्लिश नहीं की है क्योंकि अंडर प्रोसेसिंग है, यानी कि पहले मैं वीडियो बनाऊंगा फिर उसके बाद यहां पर आपके लिए पोस्ट को तैयार की जाएगी। तो आप जैसे इसमें यहां पर आएंगे तो आपको पोस्ट ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद जैसे आप कोई भी, जैसे यहां पर मैं HAL रिक्रूटमेंट आपको ओपन करके दिखाता हूं, आपको नीचे की तरफ अप्लाई ऑनलाइन मिल जाएगा। आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है और फिर आप यहां पर आ जाओगे। यहां पर आने पर आपको यहां पर चूज करना है कि सिलेक्ट एडवर्टाइजमेंट बाय डिपार्टमेंट, यानी कि आप कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो, PSI या फिर इसमें। तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने जानकारी आ जाएगी जहां पर आप देख सकते हो कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको उसके सामने अगर डिटेल्स चेक करनी है तो डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए, नहीं तो आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि यहां से आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं, बट अभी आपको अप्लाई करना है तो आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जानकारी आ जाएगी। आपको यहां पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको बोला कि एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, बट पहले आपको इसमें रजिस्टर होना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। आपको यहां पर नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर टाइटल में आपको मिस्टर मिसी जो भी आप लगाते हो आपको चूज करना है। सरनेम, यानी कि जो आपका सरनेम है पहले आपको वो लिखना है और जो आपका फर्स्ट नेम है वो आपको यहां पर लिखना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, नहीं तो यहां पर आपको अपने पिताजी का फुल नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार फिल कर देना है। मदर नेम, यानी कि आपकी माताजी का नाम जो भी है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। जेंडर आपका जो भी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और अपने जेंडर को दोबारा से सिलेक्ट करके कंफर्म कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको इस तरह से फिल कर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको इसको फिल करके दिखाता हूँ। फिल करने के बाद मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो यहाँ से आपको चूज करना है। इसको चूज करने के बाद आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आते हैं और आप देखोगे कम्युनिकेशन डिटेल, यानी कि एड्रेस की जानकारी। एक तरफ है आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहां पर आपको फिल कर देना है अपनी आईडी के अकॉर्डिंग। स्टेट यहां से आपको चूज कर लेनी है। फिर इसके बाद आपकी उस स्टेट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है और आपकी तालुका यानी कि तहसील कौन सी है वो तहसील आपको सिलेक्ट कर लेनी है। पिन कोड आपका क्या हो यहाँ पर आपको डालना है और डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। और इस तरफ आप देखोगे परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस है तो आप सेम जानकारी यहाँ पर भर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे देखने को मिल पा रहा है कि मोबाइल नंबर के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा जो कि आपको वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर को डाल करके OTP वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहां पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद नीचे आप आओगे और आप देखोगे अदर डिटेल, जिसमें कि यहां पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि आपको इसका आंसर यस नो में देना है। अगर आपने किया है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहां पर नेम ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट लेवल, ये सब जानकारी चूज करनी होगी। फिजिकली चैलेंज्ड अगर आप हो तो आपको यहां पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आता है वीडियो, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो वीडियो सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि विधवा का जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो नंबर देना होगा, सर्टिफिकेट डेट और आपका यहां पर जो अन्य जानकारी है वो भी आपको चूज करनी होगी। एक्स सोल्जर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद करंटली वर्किंग एज गुजरात स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप कर रहे हो काम गुजरात गवर्नमेंट में तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। फिर नीचे आते हैं और आप यहां पर देखोगे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको रीड करनी आती है तो यहां पर टिक कीजिए, लिखनी आती तो यहां पर और बोलनी आती है तो यहां पर। इसके बाद हिंदी अगर
आपको रीड करनी आती है, राइट करनी आती है और बोलनी आती है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। इसी प्रकार से गुजराती का जो आपका स्टेटस है वो भी आपको टिक करके बता देना है। फिर नीचे आप यहाँ पर देखोगे आपका फोटो, ये आपको बोला कि क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफ शुड बी गुड इनफ टू बी आइडेंटिफाइबल एंड एक्सेप्टेबल, यानी कि आपको फोटो अच्छा होना चाहिए। आपको यहाँ पर फोटो का साइज और जो फॉर्मेट है वो भी बताया है, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो अपलोड करनी होगी। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूँ, तो चलिए मैं यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको बोला कि प्लीज साइन ऑन व्हाइट पेपर एंड डार्क पेन एंड स्कैन इट इन जेपीजी फॉर्मेट, यानी कि आपको यहाँ पर अपना व्हाइट पेपर के ऊपर साइन करके उसको अपलोड करना है। इसका जो डायमेंशन है वो आपको बताया है और साइज आपका 15 KB से कम ही रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर आपका सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर बोला है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर ये जानकारी आपकी है, आपको इसको रीड कर लेना है और रीड करने के बाद यहाँ पर आपको यस करना है और जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को अच्छे से चेक करके आपको नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद जो नंबर आपने ऊपर फिल किया था उसके ऊपर OTP गया होगा, वो OTP यहाँ पर आपको डालना है और डालने के बाद आपको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी जानकारी यहाँ पर सेव हो जाएगी और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी ईमेल आईडी के ऊपर सेंड कर दी गई है। अब आपको क्या करना है, आपको फिर से अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है और अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है जो कि आपको मिला है। यहाँ पर आपको अपनी DOB डालनी है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल की है और ये करने के बाद आपको अप्लाई विद OTR इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। आपको इन सभी जानकारी को चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आकर के यहाँ पर देखोगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर दोस्तों एजुकेशन डिटेल में आपको अपनी अगर इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है वो चूज कर लीजिए, नहीं तो अदर ग्रेजुएट के ऊपर क्लिक करना है। परसेंटेज आपकी कितनी थी आपकी ग्रेजुएशन के अंदर वो आपको यहाँ पर डालनी है। क्लास आपकी क्या थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर दे देना है। स्टेट यहाँ पर आपको अपनी लिख देनी है कि आपने किस स्टेट से यह क्वालिफिकेशन की है। पासिंग ईयर यानी कि आपने कौन से ईयर के अंदर पास की वो यहाँ पर आपको डालना है। नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि आपने कितने ट्रायल्स के अंदर इसको पास कर लिया था, बेसिकली यहाँ पर आपको फर्स्ट लिख देना है कि आपने पहली अटेम्प्ट के अंदर इसको पूरा कर लिया था। लास्ट ट्रायल सीट नंबर यानी कि जो आपकी लास्ट ईयर की सीट नंबर था वो यहाँ पर डाल दीजिए अगर आपको मालूम है, नहीं तो आप यहाँ पर नॉट अवेलेबल लिख सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पर कंपलसरी रूप में ऐड नहीं है, NA यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में RU NCC सर्टिफिकेट होल्डर अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। यस कर रहे हो तो आपको NCC सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पर प्रमाण पत्र का जो अधिकारी है उसकी जानकारी देनी होगी। हैव यू पास्ट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फ्रॉम राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, अगर आपने की है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप कोई पोस्ट ग्रेजुएट की जानकारी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन चूज करके सेम तरीके से जानकारी भर दीजिए जैसे कि आपने अभी यहाँ पर ग्रेजुएट की जानकारी भरी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यस करना है और यस करने के बाद इन सभी जानकारी को चेक करके नीचे आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पर देखोगे कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है और अब यहां पर अगर आपकी कुछ जानकारी पेंडिंग है वो जानकारी आपको करनी है जैसे कि अपलोड फोटो सिग्नेचर, यहां पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहां पर हम एंटर करते हैं और DOB डाल करके यहां से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप यहां पर आपका फोटो और सिग्नेचर देख सकते हो, आपको नीचे यहां पर अपनी पूरी जानकारी वेरीफाई करने को मिल पा रही है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। कन्फर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, DOB सेलेक्ट करनी है और फिर यहाँ से ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आप ये सब जानकारी कन्फर्म कर सकते हैं। कन्फर्म करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे कन्फर्म एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये जानकारी देखने को मिल जाएगी, आपको यहाँ पर ये जो नंबर की जानकारी है वो मिल चुकी है। आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। मैं यहाँ से इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ, तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक
करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ है वो आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप गुजरात पुलिस एएसआई पीएसआई ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई है इस फॉर्म को फिल करने में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।